सकते हैं ये मेरे दोनों ड्रेसेस हैं ईद के। इस तरीके से घूम घूम कर मैंने ये ड्रेस को बाय किया है। इसके फ्रंट पर आप देख सकते हैं नेक लाइन पर ये कुछ काम हुआ है, और ये ड्रेस मुझे काफ़ी सही प्राइस में मिल गया था। समर के हिसाब से तो ये सही है। तो मेरे पास एक घर में दुपट्टा रखा है, तो मैं सोची हूँ उसके साथ वेयर कर सकती हूँ, क्योंकि इसके साथ आई थिंक वो वाला मैच कर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए एंड खैरियत से हो गए। तो चलें फिर आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ हॉल वीडियो शेयर करने लगी हूँ, जिसमें मैं ईद की शॉपिंग जो मैंने करी थी उसका एक छोटा सा हॉल बनाऊँगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं है, बस दो ड्रेस ख़रीदे हैं। तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस ईद के लिए क्या ड्रेस खरीदा है। सो या अभी हम हॉल वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये जो शोर की आवाज़ आ रही है, ये फ्लफ़ी मैडम कर रही है इतनी देर से शोर, पता नहीं इसे क्या हो गया। फ्लफ़ी क्या हो गया? फ्लफ़ी फ्लफ़ी फुल इग्नोर। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये मेरे दोनों ड्रेसेस हैं ईद के, और ये अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कौन से कलर का मैंने ड्रेस लिया। ये कलर तो आप लोग को दिख ही गया होगा, लेकिन ये कैसा है, मतलब ये टू पीस है थ्री पीस है, ये आप लोग को पूरा इस वीडियो में पता लगेगा। और मैंने इन ड्रेसेस को पहनकर चेक करा था, तभी इनका थोड़ा तय वगैरह ख़राब हो गई है, मतलब इस तरीके से ये थोड़ा फैले फैले हुए रखे हुए, क्योंकि मैंने जब ये आए थे उसी दिन मैंने पहन के देख लिया था कि ये किस तरह के लग रहे हैं। सो या अब स्टार्ट करते हैं हॉल वीडियो। अच्छा तो गाइस फाइनली अब हम अपनी हॉल वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले कौन सा वाला ड्रेस दिखाऊँ, ये वाला या ये वाला? सबसे पहले पहली ईद का ड्रेस दिखा दी। पहली ईद का तो अभी डिसाइड नहीं करा कि कौन सा वाला वेयर करूँगी, लेकिन हाँ जो सबसे पहले लिया था वो दिखा देते हैं। तो गाइस सबसे पहला ड्रेस जो मैंने ईद के लिए लिया था वो है ये रेड कलर का, इसके साथ ये कुर्ती है और इसका ये ट्राउज़र है, मतलब ये टू पीस ड्रेस है। मतलब मैंने तो थ्री पीस ड्रेस लेना था बट वो मुझे मिला नहीं, मतलब मेल बहुत सारे रहे थे लेकिन मुझे एक्चुअली कोई पसंद नहीं आ रहा था। मुझे ये वाला एक अच्छा लगा था बट इसके साथ दुपट्टा नहीं था। तो आप देख सकते हैं इसके फ्रंट पर और इसके स्लीव्स पर एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ हुआ है, और ये काफ़ी अच्छी खुली खुली स्लीव्स है इसकी। समर के हिसाब से तो ये सही है, मतलब मैं चाह रही थी कि ऐसा ड्रेस ही लूँ जो कि समर में सेट रहे, ज़्यादा गर्मी ना लगे, क्योंकि अभी समर सीज़न में ही ईद आ रही है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़े सिंपल से और ज़्यादा फैंसी ड्रेस मैंने लेना पसंद नहीं करा इस बार। और बाकी ये कि इसके फ्रंट पर आप देख सकते हैं ये नग लगे हुए हैं, और बाकी ये इस तरीके का काम हुआ है। ऑल्सो इसमें सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा था इसकी वजह से ये ड्रेस, आप देख सकते हैं ये इसमें दी गई है पॉकेट, यहाँ पर इसमें पॉकेट दी गई है, तो ये बहुत ही अच्छा था, मतलब इसकी वजह से ये मुझे ड्रेस पूरा अच्छा लगा। अच्छा तो मैं अब आपको इसका ट्राउज़र दिखा देती हूँ। तो ड्रेस तो आपने देख लिया, मतलब कुर्ती देख चुके हैं, ट्राउज़र देख लें। ट्राउज़र इसका सिंपल है, इसमें कुछ भी काम नहीं हुआ हुआ, सिर्फ सिंपल सा है। सारा जो काम हुआ हुआ था ना वो सारा कुर्ती में हुआ हुआ था, बाकी ट्राउज़र सिंपल है। तो ये देख सकते हैं पूरा सिंपल है ये, ठीक है। तो ये था रेड कलर का ईद का ड्रेस। अब मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं इसको पहले दिन पहनने वाली हूँ या सेकेंड डे, लेकिन देखेंगे वो तो बाद में सोचेंगे। अच्छा जी, तो अगर इस ड्रेस की बात करी जाए कि ये मैंने कहाँ से बाय किया था, तो मैं गई थी आरजे शॉपिंग मॉल, मैंने वहाँ से ये मुझे ड्रेस अच्छा लगा था तो मैंने ये वाला बाय कर लिया। और अगर आप लोग ने वो वाला शॉपिंग व्लॉग नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। और ये ड्रेस मुझे काफ़ी सही प्राइस में मिल गया था, डेट्स व्हाई मैंने ये बाय कर लिया। सो अब हम अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ चलते हैं, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने नेक्स्ट कौन से कलर का ड्रेस लिया। सो नेक्स्ट ड्रेस मैंने ब्लू कलर का लिया था, मतलब रेड और ब्लू ऐसे मैचिंग का हो गया, रेड कलर लिया फिर ब्लू कलर लिया। तो ये ड्रेस है, ये ऑल्सो ये वाला भी टू पीस ही ड्रेस है। इसके साथ मुझे लगा था यार दुपट्टा मिल जाएगा बट इसके साथ नहीं था। तो मेरे पास एक घर में दुपट्टा रखा है, तो मैं सोची हूँ उसके साथ वेयर कर सकती हूँ, क्योंकि इसके साथ आई थिंक वो वाला मैच कर जाएगा। लेट्स सी कि क्या होता है, वो फिर हम ईद में ही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। खैर ये वाला ड्रेस है, सबसे पहले मैं कुर्ती दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये ड्रेस है, इसका फैब्रिक बहुत ही सही है, मतलब ये कॉटन का ड्रेस है और ये समर के हिसाब से बेस्ट है।
समर के हिसाब से जो मैंने फर्स्ट वाला भी लिया वो वाला भी सही है और ये वाला भी ठीक है। इस पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का काम हुआ हुआ है, फ्लावर प्रिंट हुए हुए हैं, मतलब एम्ब्रॉयडरी से काम हुआ हुआ है पूरा। और यहाँ पर इसके फ्रंट पर आप देख सकते हैं नेक लाइन पर ये कुछ काम हुआ हुआ है, मतलब बीड्स वगैरह थोड़े बहुत लगे हुए हैं और इस तरीके की इसकी नेक बनी हुई है, सही है। और बाकी अच्छा, तो आप बाकी देख सकते हैं इसके बॉटम में इस तरीके से काम हुआ हुआ है, ये एम्ब्रॉयडरी पूरा इसका भी पूरा जो बना हुआ है ना वो एम्ब्रॉयडरी हुआ हुआ है, मतलब फ्लावर प्रिंट हुए हुए हैं, इस तरीके से ये लीव्स लगे हुए हैं और ये इस तरीके का ये काम हुआ हुआ है। ऑल्सो आप इसके स्लीव्स देख सकते हैं, स्लीव्स में भी सेम वही काम हुआ हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके की बनी है स्लीव्स इसकी, तो काफ़ी सही है ये। बाकी मुझे इसका फैब्रिक अच्छा लगा और ये ड्रेस भी मुझे अच्छा लगा था, मतलब एक ब्लू कलर का ड्रेस है और वैसे भी मेरे पास इस तरीके का कोई ड्रेस नहीं था इस कलर का, लाइक मतलब देसी ड्रेसेस में इस कलर का ड्रेस नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार यूनिक भी हो जाएगा, बाय कर लेते हैं। और ट्राउज़र की बात करी जाए तो ट्राउज़र, इसका ट्राउज़र भी सिंपल है, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, कोई काम नहीं हुआ हुआ, सिंपल ट्राउज़र है। तो ये वाला ड्रेस मैंने लोकल शॉप से बाय किया था, लाइक मैं बहुत सारी शॉप्स पे गई थी, मुझे फिक्स याद तक नहीं है कि मैं कौन सी शॉप से मैंने ये बाय किया था, क्योंकि मैं कभी वहाँ जा रही हूँ कभी वहाँ जा रही हूँ, इस तरीके से घूम घूम कर मैंने ये ड्रेस को बाय किया है। सो इसके प्राइस भी काफ़ी सही थे, लाइक ये दोनों ड्रेसेस मुझे ना सही प्राइस में मिल गए थे। अब आप लोग मुझे कॉमेंट में बताइएगा कि सबसे ज़्यादा इन दोनों में से कौन सा ड्रेस बेस्ट है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो ये थी हमारी आज की हॉल वीडियो। तो यहाँ पर रात का टाइम हो गया था और मैं खाना खाने लग गई थी। वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं आज पूरे दिन को रिकॉर्ड करूँगी, लाइक मैंने आज पूरे दिन क्या किया क्या नहीं किया, लाइक रूटीन व्लॉग आप लोग के साथ पूरा शेयर करूँगी, बट मैंने कुछ खास रिकॉर्ड ही नहीं किया। हॉल वीडियो के बाद इतना टाइम ही नहीं मिला कि कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँ, मैंने थोड़ा बहुत वीडियो को एडिट करा एंड डिनर करने लग गई थी। तो डिनर में आज के डिनर में था दाल थी मसूर की और साथ में रोटी थी। तो खाना वगैरह खाने के बाद मैं यहाँ पर एडिटिंग करने बैठ गई थी। वैसे तो मैं यूं करती हूं कि एक दिन रिकॉर्ड करती हूं, उसके अगले दिन फिर एडिट करती हूं एंड फिर तीसरे दिन वॉइस ओवर करके वीडियो को अपलोड करती हूं। तो फिर इस तरह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता, लेकिन अभी मैंने क्या किया कि आज ही मैंने पूरा ये व्लॉग रिकॉर्ड किया और फिर आज ही एडिट करा एंड इंशाल्लाह आज ही इसको मैं अपलोड कर दूंगी। सो आई होप कि आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया हो, ये हॉल वीडियो पसंद आई हो। एंड हाँ, एक और बात, आप लोग में से बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं एडिट किससे करती हूँ, तो मैं कैपकट एडिटर से एडिट करती हूँ अपनी वीडियो। सो आई होप कि आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।